दिग्गजों का बयान रोहित की कैप्टेंसी पे। दोस्तों, अगर आप रोहित शर्मा को एक शानदार कप्तान मानते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 T20 मुकाबलों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने खतरनाक प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को आसानी से जीतकर न्यूजीलैंड की टीम को इस सीरीज में 3-0 से मात देकर क्लीन स्वीप कर दिया। अपने खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे बल्लेबाजों की बदौलत भारतीय टीम ने 73 रन से एक रोमांचक जीत हासिल कर ली और पिछले दो मुकाबलों की तरह इस मुकाबले में भी कप्तान रोहित शर्मा के शानदार प्रदर्शन और बतौर T20 कप्तान रोहित शर्मा की पहली सीरीज जीतने के बाद भारतीय दिग्गजों ने रोहित शर्मा को लेकर एक बयान दे डाला। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि भारतीय दिग्गज ने रोहित शर्मा के बारे में क्या कहा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा विराट कोहली से बेहतर कप्तान साबित होंगे या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 विश्व कप के बाद शुरू हुए न्यूजीलैंड और भारत के T20 श्रृंखला में भारतीय टीम ने तीनों T20 मुकाबलों को जीत और सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर न्यूजीलैंड से T20 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला पूरा किया और रोहित शर्मा ने तीनों T20 मुकाबले में महत्वपूर्ण और शानदार 56 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम को अच्छी शुरुआत दी, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने इस तीसरे और आखिरी मुकाबले को भी आसानी से जीत लिया और रोहित शर्मा के बतौर कप्तान पहली T20 सीरीज जीत के बाद भारतीय दिग्गज वीरेंद्र सहवाग का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा से बेहतर कप्तान भारतीय टीम के लिए कोई हो ही नहीं सकता और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि उनके जैसा बल्लेबाज भारतीय टीम को ना पहले कभी मिला था और ना ही कभी आगे मिल सकेगा, क्योंकि वो जस्ट जिम्मेदारी से और टीम को सपोर्ट करने के तरीकों से खेलते हैं। वो बेहद लाजवाब है, उनके अंदर हर परिस्थिति को संभालने की एक अनूठी काबिलियत है और साथ ही साथ में इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि उनके साथ खेलने वाले खिलाड़ी पर किसी भी प्रकार का दबाव ना पड़े। इसके बाद पूर्व दिग्गज और क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा जैसा खतरनाक ओपनर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा और मैंने भी एक ओपनर के तौर पर क्रिकेट खेला है, लेकिन जिस तरह का खेल रोहित शर्मा खेलते हैं उस तरह का खेल मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खेला है। वो परिस्थिति के अनुसार अपने खेल को बदलना जानते हैं। अगर उनकी टीम किसी मुश्किल में फंसी है तो वो समझदारी से रुककर टीम के लिए बड़ा स्कोर बना सकते हैं और अगर टीम को ज्यादा रन की आवश्यकता ना हो तो वो मस्ती से भरे अंदाज में क्रिकेट को एंजॉय कर टीम का साथ देते हैं और उनकी यही प्रतिभाएं उन्हें एक शानदार कप्तान भी बनाती है। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर के बाद 2011 के वर्ल्ड चैंपियन बनी भारतीय टीम के सदस्य रहे गौतम गंभीर ने भी अपना बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा भारतीय टीम का वो खिलाड़ी है जिसके बिना भारतीय टीम हमेशा से अधूरी है, क्योंकि बिना बेहतर ओपनर के कोई भी टीम पूरी नहीं हो सकती और अगर रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज टीम में शामिल हो तो फिर आपको किसी दूसरे बल्लेबाज की जरूरत भी नहीं होती। रोहित शर्मा जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं उसे देखकर तो ये लगता है कि वो बतौर कप्तान और बतौर खिलाड़ी भारतीय टीम को बुलंदियों तक लेकर जरूर जाएंगे, क्योंकि वो एक कप्तान के तौर पर भी टीम को संभालना बखूबी जानते हैं, इसलिए किसी और से उनकी तुलना करना उनके सम्मान के खिलाफ होगा। दोस्तों, भारतीय दिग्गजों के बयान को देखकर ये साफ नजर आ रहा है कि रोहित शर्मा को T20 का नया कप्तान बनाए जाने के बाद अब भारतीय टीम किसी भी तरह से रुकने वाली नहीं है और वो लगातार बड़े मुकाबले जीतकर टीम को नई सफलता की ओर ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को 2022 में खेले जाने वाला T20 विश्व कप जिता पाएंगे या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही शानदार अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।